हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा सिंह क्रिएशंस। आज की मेरी वीडियो है मैक्रम का कंदिल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्क्रीन पे आपको डिजाइन दिख रहा है कंदिल का। यहाँ पर मैंने यूज किए हैं ऑरेंज कलर के मैक्रम एंड एक छोटा सा रिंग। अभी फिलहाल मैं इतना दिखा रही हूँ, आगे मैं और बताऊंगी क्या यूज करना है। यहाँ पर मैंने कॉर्ड टू मीटर के दोनों को, मैं सारे कॉर्ड्स को इक्वली मोड़ लेना है बीच से और ये हम रिंग में ऐसे निकाल लेंगे, डाल लेंगे। ये अभी कंदिल बनाने का हैंगिंग करने के लिए हमें बनाना है। एक अलग से कॉर्ड लेंगे हम 1.5 मीटर का, इसे भी नीचे से बराबर कर लेना है और बीच वाला जो पोर्शन है वो नीचे रखेंगे इन सारे कॉर्ड्स के नीचे और सिंपल स्क्वायर नॉट लगा के इसे हैंग करने के लिए बना लेंगे कुछ दूर तक। ये देखिए, इसके नीचे रखना है और सिंपल स्क्वायर नॉट देते जाना है। सारे कॉर्ड्स को अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे पुल करके इस तरीके से। ये जो हैंग करने के लिए हम बनाते हैं ये अपने मैं अकॉर्डिंग से बनाती हूँ। जैसे बहुत लोग का होता है दीवार बहुत ऊंचा होता है, सो आप हैंगिंग जो है कि और लंबा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने किया है एकदम उतना ही आपको लाइन उतना ही बड़ा करना है, उतना ही लंबा करना है। आप अपने ऊपर जो है लगाने के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ऊपर ज़्यादा है आपका दीवार तो आप उससे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे तो ये नीचे तक आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है कि आप अपने घर के अकॉर्डिंग कैसा है क्या है देख करके आप लंबा छोटा कर सकते हैं। एंड 4 कॉर्ड लेना है, एक सिंपल स्क्वायर नॉट देना है। ऐसे ही 4 4 कॉर्ड लेते जाएंगे और सारे नॉट्स लगा लेंगे हम। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐसे ही सारे नॉट्स लगा लिए, 3 लाइन लगाया है जो रिपीट करना है सेम लाइन को। तो यहाँ पर टोटल 4 लाइन बना करके मैं रेडी करूँगी। तो 4th लाइन आपको दिखा रही हूँ मैं कि इस तरीके से गोल बनाना है, ठीक है, ऐसे पूरा सीधा गोल। जो 1st लाइन दिया था उसके नीचे 1 लाइन, फिर 3रा लाइन, फिर ये 4th लाइन। जैसे यहाँ पर मैं 4th लाइन दे रही हूँ वैसे ही आप 2रा और 3रा भी देंगे। ऐसे ही 4th लाइन भी पूरा ऐसे बना करके कंप्लीट हो जाएगा। ये एक लास्ट यहाँ पर नॉट लगेगा। उसके बाद बेल्ट बनाना है हमें। एंड जो सारे डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कितना यूज करना है, क्या यूज करना है, आप पहले ही देख सकते हैं। तो ये
चार लाइन बनके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बेल्ट बनाना है, ये देखिए मैंने नीचे कुछ बना करके ऐसे रखा है, सो अब मैं बताऊंगी उसे कैसे बनाना है। तो एक सिंपल एक नॉट लेना है, एक जो ये वाला नॉट है फोर कॉर्ड वाला, ये ले लेना है। इसी तरीके से सबका नॉट बनेगा और एक सिंपल स्क्वायर नॉट देना है, कुछ दूर में स्क्वायर नॉट देना। ये देख सकते हैं आप, स्पेस मैंने दिया है कुछ दूर का, हाफ इंच का स्पेस देना है और उसके पास वहां पर नॉट लगाना है। एंड यहाँ पर मैं ब्लू कलर का बीट्स यूज कर रही हूँ, आप कलर कॉम्बिनेशन खुद से पसंद करके कर सकते हैं। मेरे से जो होता है वो मैं करती हूँ, जो अवेलेबल होता है उससे मैं बनाने का पूरा कोशिश करती हूँ कलर कॉम्बिनेशन के साथ। अब मैं यहाँ बीट्स यूज कर रही हूँ ब्लू कलर का, मटका शेप का। ये दोनों कॉर्ड बीच वाले जो कॉर्ड है उसमें डालना है और सिंपल स्क्वायर नॉट दे देना है। ऐसे ही थ्री बीट्स डाल के रेडी करने हैं हमें लाइन। ये थ्री बीट्स यहाँ पर लग के रेडी हो गया है। फिर एक नॉट लगाना है हाफ इंच की दूरी पर, ठीक है, जैसे ऊपर दिया था मैंने वैसी हाफ इंच की दूरी पे यहाँ पर एक नॉट और लगाएंगे। बस ऐसे ही यहाँ पर मैंने 12 कॉर्ड लिए थे, तो ऐसे ही 6 लाइन बन के 6 बेल्ट बन के रेडी होगा। एक बार और सिंपल स्क्वायर नॉट नीचे दे देंगे, जिससे कि अटैच करने में आराम रहेगा। ऐसे वो जो कॉर्ड्स है वो ऐसे घिंच जाता है तो अच्छे से नहीं बैठता है इसलिए, और सारे नॉट्स जो हैं कि बराबर होने चाहिए। ऐसी ये वाला लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे, सो 6 बेल्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सारे बेल्ट्स बन गए हैं। अब हमें यहाँ यूज करना है एक कॉर्ड, सॉरी रिंग। अब मैं यहाँ पर 8 नंबर का रिंग यूज कर रही हूँ, 2 8 नंबर का रिंग चाहिए। फर्स्ट ये मैं यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ पहले, इस रिंग के अंदर सारे कॉर्ड्स को ले लीजिए। और ऐसे सारे जो बेल्ट्स हैं उन सबको हम लोग इसी तरीके से रिंग में अटैच कर लेंगे। ऐसे सारे कॉर्ड्स यहाँ पर मैंने अटैच कर लिए हैं, और हमें अलग से इसमें कॉर्ड अटैच करना है। तो जो बेल्ट हम लगा रहे हैं ना, उसमें उसके अगल बगल जो है दो साइड्स में ये गैप, इस तरीके का गैप मिल जाएगा, इसमें हमें कॉर्ड अटैच करना है। तो सारे गैप्स में 4-4 कॉर्ड अटैच करना है। तो ये सारे जो कॉर्ड्स हैं ये 1 मीटर के हैं, 1 मीटर या 170 सेंटीमीटर के कुछ कॉर्ड्स हैं। तो सारे गैप्स में 4-4 कॉर्ड अटैच करेंगे 170 सेंटीमीटर का। ये 4 कॉर्ड यहाँ पर अटैच हो गए हैं। तो सारे कॉर्ड्स को एक एक बार दोनों साइड से पाइपिंग करना है, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। ऐसे ही सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे गैप्स में 4-4 कॉर्ड अटैच हो।
ये सारे कॉर्ड्स यहाँ पर अटैच हो गए हैं। तो अब दो कॉर्ड लेना है और सिंपल जो हम लोग मैंने आपको बताया है, सिंपल बेसिक वीडियो में भी बताया है, वो वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बेसिक जहाँ पर मैंने सिखाया है ऐसे ही ये नॉट देना है, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा नॉट कैसे देना है। ऐसे ही ये वाला जो नॉट है वो 10 टाइम्स दोनों साइड से काउंट करेंगे, तो एक साइड 5 और एक साइड 5, ठीक है। 10 टाइम्स यहाँ पर नॉट देके रेडी करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से 10 हो गया। ऐसे ही सारे दो दो कॉर्ड लेकर के सारे नॉट्स दे करके कंप्लीट करना है पूरे सर्कल में। मैंने और भी आप देख सकते हैं आगे, मैंने बना करके पहले से रखा था, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। मैंने ये पूरा बना लिया है। अब हम यहाँ पर 8 नंबर के एक और रिंग अटैच करेंगे। ये रहा दूसरा 8 नंबर का रिंग जो हमने सारे पाइपिंग जो ये डिजाइन दिया है, ये सारे जो कॉर्ड्स हैं इन सबको हम लोग को रिंग में अटैच करना है। तो ऐसे ही मैंने सारे रिंग्स को यहाँ पर देख सकते हैं, सारे कॉर्ड्स को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब जो डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप ये जो डिज़ाइन है ये बड़ा में भी बना सकते हैं, तो आपको कॉर्ड्स एंड रिंग्स ज़्यादा यूज़ करने होंगे। आपको ध्यान देना है ये वाला जो बीच का जो कॉर्ड है, ये देख सकते हैं आप, ये बीच वाला जो कॉर्ड यहाँ पर मैंने गार्ड दे दिया है, ये बेल्ट जो है वो दोनों के आमने सामने बीच वाला जो कॉर्ड है और यही कॉर्ड के सामने वाला जो लाइन है उसके सामने वाला कॉर्ड, दोनों साइड्स के बीच वाले कॉर्ड ही आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड्स के लेने हैं। ये देख सकते हैं ये बीच का दोनों कॉर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गांठ लगा दिया है कि वो आपको ध्यान रहे कि हाँ मेरा यही दो कॉर्ड है, मिसप्लेस ना हो। अब उल्टा ऐसे घुमा लेना है, ये दोनों जो कॉर्ड है लाइन से एकदम आमने सामने आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर मैं जो गांठ है वो खोल रही हूँ, ये गांठ मैंने खोल लिया और कॉर्ड यहाँ पर अटैच किया है। थोड़ा हमें यहाँ पर लंबा चाहिए कॉर्ड, तो 50 सेंटीमीटर का कॉर्ड अटैच किया है एंड यहाँ पर ब्लू कलर का बीट्स यूज़ कर रही हूँ मैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इसमें बहुत सारे बीट्स डालने हैं, तो ये बीच वाला कॉर्ड है, ठीक है। तो ये बीच वाले कॉर्ड में मैं ब्लू कलर का बीट्स यूज़ कर रही हूँ, 21। तो अभी 21 बीट्स डाल के यहाँ पर कंप्लीट करना है बीच वाले लाइन में। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर बीच यहाँ पर बोला था सिर्फ अब यहाँ पर बीट्स डालना है, तो ब्लू कलर के बीट्स मैंने यहाँ यूज़ किए 21, फिर बीच में येलो कलर के बीट्स यूज़ किए हैं 9 एंड फिर उसके बाद ब्लू कलर के बीट्स यूज़ किए हैं 21। तो दोनों साइड में 21 और बीच में येलो 9। अब जो दूसरा साइड का जो गार्ड था मैंने यहाँ पर दिया था कॉर्ड में, वो वाला खोल लेना है और उसे नीचे से कट कर लेना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कॉर्ड नहीं रखना है, छोटा ही सा कॉर्ड यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। और जिसमें मोती डाला है मैंने वो भी हम लोग थोड़ा सा कॉर्ड छोड़ करके यहाँ कट कर लेंगे।
और उन दोनों कॉर्ड्स में इन दोनों कॉर्ड को अटैच कर लेंगे। तो ये सेंटर वाला लाइन हो गया। सबसे पहले आपको यही करना है, यही लाइन कंप्लीट करना है, उसके बाद कुछ और करना है, ठीक है। पहले ये हो जाएगा तो दोनों साइड सेम ही है, ये यहाँ पर अटैच हो गया, बीच वाला लाइन 21, 21 और 9। अब ये जो कॉर्ड से इन ये सारे जो ये दोनों जो कॉर्ड है दोनों साइड में, इन दोनों कॉर्ड को कट करना है, ठीक है। दोनों साइड्स के कॉर्ड को कट करना है। मैं आपको यहाँ पर मैंने पूरा अलग अलग कर लिया है जिससे आपको समझ आए। ये देख सकते हैं मोती के बगल वाला जो दो कॉर्ड है वो कट करेंगे। एक मैंने अंदर लिया है, फिर एक कॉर्ड बाहर लिया है, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर। जो सारे कॉर्ड्स बाहर हैं वो सारे कॉर्ड्स को कट करना है, जो अंदर है उसे छोड़ देना है, ठीक है। मोती के बगल वाला जो कॉर्ड है वो कट हो जाएगा, और एक कॉर्ड अंदर है वो नहीं कट करना है, उसके बगल वाला कॉर्ड। एक एक कॉर्ड गैप करके कट कर लेना है, और बीच बीच का जो कॉर्ड से उसको रखना है। यही सेम तरीका दूसरे साइड में भी करना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया मोती के बगल वाले एक 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 गैप करके, और सारे कॉर्ड्स को यहाँ पर हम स्टिक कर लेंगे अंदर साइड में। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको बनाने में। आई होप आपको समझ आ गया हो। ये देखिए जो मैंने सारे कॉर्ड्स अंदर लिए थे, ऐसे ही अब सब में मोती अटैच करना है। वैसे ही इस साइड भी जो मैं बाहर कॉर्ड छोड़ रही हूँ उसे काटना है, और जो अंदर इस तरीके से ले रही हूँ उसे रखना है। साइड भी वही चीज करेंगे। पहले ये सारा चीज कर लेते हैं तो जिससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ भाई इसमें मेरे को डालना है, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए पहले ही इस सारे कॉर्ड्स को कट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अंदर वाले कॉर्ड्स को छोड़ देंगे और बाहर वाले कॉर्ड्स को कट कर लेंगे, ठीक है। सबको कट करके स्टिक कर लेना है। अब ये देख सकते हैं बीच वाला जो कॉर्ड था, बीच वाला कॉर्ड तो 21 मैंने बीट्स डाला था, उसके बगल वाले जो कॉर्ड से उसमें मैंने 19 ब्लू कलर के बीट्स यूज किए हैं एंड 7 येलो कलर के। ये वाला जो लाइन है ये 19 और 7, तो ब्लू वाले कॉर्ड्स में दो कॉर्ड डिक्रीज कर देना है। जैसे 21 किया था मैंने, तो एक कॉर्ड कम करके यहाँ पर 19 कर दिया, एंड उसके बाद 19 के बाद फिर 17 के बाद 15, ठीक है। इस तरीके से कॉर्ड हम बीट्स हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये वाले जो बीट्स है 17 है और बीच वाले 5, इसे भी वैसे ही कट करके स्टिक कर लेंगे।
और ये वाला जो लाइन है इसमें 15 ब्लू कलर के बीट्स यूज़ किए हैं एंड 3 येलो कलर के दोनों साइड्स में। बस ऐसे ही मैंने सारे कॉर्ड्स अटैच के लिए बीच का जो 21 वाला जो बीट्स है, फिर दोनों साइड में वही 19, 17, 15 और फिर 8 और बीच में 3। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा झूमर जो है कि बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अच्छे से आपको मेंशन कर दूंगी कि क्या है, कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।